यूपी के पश्चिमी हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रैली को संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के पश्चिमी हिस्से में शुरू हुए चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी पहली शारीरिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार यूपी के लिए आवश्यक है। प्रतिद्वंदियों पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अगर यूपी में वंशवादी दल सत्ता में होते तो टीके सड़कों पर बेचे जाते। पीएम मोदी ने कहा, लोगों ने यूपी को विकसित करने वालों को वोट देने का फैसला किया है, जो यूपी को दंगा मुक्त रखते हैं, जो हमारी माँ और बेटियों को डर से मुक्त रखते हैं, जो अपराधियों को जेल में रखते हैं, लोग उन्हें वोट देंगे। उन्होंने मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में हुए दंगों का भी उल्लेख किया और समाजवादी पार्टी को दंगावादी के रूप में लेबल किया। पीएम मोदी ने कहा, एक पल के लिए भी मत सोचिए कि इन दंगावादियों में सुधार हुआ है, वे बस एक मौके की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सहारनपुर के दंगाइयों का इन माफिया जैसे लोगों ने स्वागत किया था। पश्चिमी यूपी भर में वे दंगाइयों का समर्थन कर रहे हैं। ये लोग बदला लेना चाहते हैं।